और सब बढ़िया? कैसे हैं आप लोग? आप लोग तो बढ़िया होंगे। खैर, मेरा हालत अभी ठीक नहीं है। मतलब यहाँ पे जो हमारा जो एरिया है तेलीडी साइड, यहाँ पे कल से लाइट नहीं है। एक्चुअली बिजली विभाग में आग लग गया था, तो पूरा चास का लाइन कटा हुआ था। तो कल रात को ही मतलब 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के टाइम, मतलब इधर उधर, मतलब बाकी एरिया में लाइन दे दिया है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे तेलीडी एरिया है, यहाँ पे लाइट नहीं दिया हुआ है। तो मोटर वगैरह में पानी नहीं भरा हुआ है। अभी सामने घर के बाहर चापाकल है, तो वहीं से पानी ला रहे हैं। फिल्टर तो बंद हुआ पड़ा है, गिलान का पानी है, अभी मंगा के पीना पड़ रहा है। और अभी काम वगैरह तो मेरा रुक गया है, तो अभी लेटे हुए हैं छत में, क्योंकि नीचे पंखा तो चल नहीं रहा है, गर्मी लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा छाँव है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा सीढ़ी वाला रूम का जो दीवार है, तो थोड़ा सा छाँव है, तो यहीं पे लेटे हुए सुबह से। सुबह सुबह जब लेटा हुआ था वही 8 बजे के टाइम, तो धूप वहाँ तक, तो सॉरी, छाँव वहाँ तक था, वहाँ थोड़ा दूर तक छाँव था। अब धीरे 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 धूप देखिए यहाँ तक आने लगा है। अब कुछ देर बाद ये जो छाँव है ये भी चला जाएगा, उसके बाद देखते हैं कहाँ भागते हैं क्या नहीं, तो इसका भी उपाय किया जाएगा। तो गाइस, अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं धूप जो है यहाँ पर भी आ चुका है। मेरा जो खटिया है, जो मेरा सेफ जोन था, अब वो भी कवर हो चुका है धूप से। तो अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं नीचे कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं। बहुत गर्मी दे रहा है यार, मतलब बहुत परेशानी हो जाता है गर्मी का दिन में ना। मतलब ऐसे लाइट ऐसे हमेशा करता है, मतलब यहाँ ठंडा के दिन में रह सकते हैं इस एरिया में, लेकिन गर्मी के दिन में हालत ख़राब हो जाता है चास में एकदम। बोले नहीं, मतलब ऐसा सबसे बड़ा बात है कि मतलब ठीक है लाइट कटता है, लेकिन ऐसे कहीं एक बैठने लायक से जगह भी नहीं है। पेड़ वगैरह, कोई पार्क वगैरह जाके बैठे आदमी, थोड़ा सा छाँव है, ऐसा कुछ है नहीं। पूरा एकदम मनहूस जिंदगी हुआ पड़ा है। तो गाइस, अभी हवा आने लगी है, प्रॉब्लम सॉल्व। धनवा जाएगी, धनवा जाएगी, वहाँ लाइन है, धनबाद में लाइन है, जाएगी धनबाद। हैं गाइस, यहाँ देखिए पानी का स्टॉक रखा हुआ है ढेर सारा, टंकी का पानी खत्म है, तो यही सामने चापाकल से पानी भर भर के लाया जा रहा है। तो गाइस, अभी मेरे घर के बाहर नाला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखिए नाला बन रहा है, ठीक है। और इधर देखिए मेरी मम्मी बैठी हुई है, नाला बनते हुए देख रही है। गाइस देखिए वर्कर कितने धूप में काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग मतलब घर के अंदर बैठ के काम करते तो इतना मतलब आलसीपन दिखाते हैं, और इनको देख के मैं फुल्ली मोटिवेटेड हो गया हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर काम करने। तो गाइस, मैं अभी चला हूँ अपने दोस्त के घर, लाइट तो अभी तक आया है नहीं, तो काम तो करना ही पड़ेगा यार। काम जो बाकी हो वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्लाइंट को देना ही पड़ेगा टाइम पे काम। इसलिए जा रहा हूँ दोस्त के घर, उसके घर में लाइट है। तो उसको मैंने फ़ोन किया, पूछा लाइट है, तो बोला हाँ उसके घर में लाइट है। तो मैंने बोला ठीक है आता हूँ काम करने, तो बोला ठीक है आ जा। तो वही अभी जा रहा हूँ साइकिल से। यहाँ पहुंच गया हूँ दोस्त के घर। पंखा चालू कर, आ गया। तो गाइस, फाइनली भी पंखा का हवा खाने को मिल रहा है। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसा हवा खाने को मिलता है।
तो गाइस फाइनली अभी लैपटॉप चालू हो चुका है। अभी चालू करने वाला हूँ मैं अपना काम। टकड़ गया है ऐसे, बैठ बैठ के आदत नहीं है ऐसे बेड में एडिटिंग करने का, लेकिन आज करना पड़ रहा है। तो गाइस अभी जैसे तैसे करके दिन कंप्लीट हुआ है, अभी शाम हो चुका है और बाकी जो भी प्रोजेक्ट है मैंने उसको लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब कल एडिट करूँगा। मैंने घर में कॉल किया, पूछा लाइट वगैरह आया कि नहीं, तो बोला कि लाइट आया था 10-15 मिनट के लिए, फिर कट गया है। तो इसका मतलब रात भर में आ जाएगा, अब बाकी का काम रात में होगा। अभी शाम हो चुका है, अभी गर्मी नहीं है, अब तो मतलब छत में सो जाना है आज। वैसे भी लाइन गाइस का कोई वेट करना है नहीं, रात में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में फिर से पूछने आऊँगा आपका। कल बाय।